बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्दी का मौसम है और ऐसे में आज सुबह के बादल हुए हैं आसमान पे, धूप बिल्कुल नहीं निकली, तो आज मैं बना रहा हूँ आलू की टिक्कियाँ। तो इंशाल्लाह ये नए और ताज़े आलू हैं, तो इनकी मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनाते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनाई जाती हैं। इसके लिए हमने आलू लिए हैं, इनको उबाल लिया और इनके छिलके हमने उतार लिए। अब इनको हम मैश कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले इसमें हम नमक शामिल करेंगे 1.5 चम्मच, एक चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच इसमें हल्दी, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, खुश्क धनिया, कुटी हुई सब्ज मिर्च, बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज, सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ फ्रेश, अब इसको हम करेंगे मिक्स। चम्मच को साइड पे रखते हैं, ये हाथ की मदद से ज़्यादा अच्छी तरह मिक्स होगा, तो इसलिए हाथ से करते हैं। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा भी शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 4 चम्मच इसमें हम मैदा शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद अब इसकी हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा ऑयल हम लगाएंगे दोनों हाथों को, ताकि ये हाथ पे चिपके ना। अच्छे तरीके से लगाने के बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस तरह से टिक्कियां बना लेनी है। साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपनी मर्जी से रखें। एक अंडा लिया, इसको हम फेंट लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बनाएंगे हम तवे के ऊपर। तवे के ऊपर हमने ऑयल डाल लिया। अब जो एक टिक्की है हमारे पास, उसको हम लगाएंगे अंडा, पहले एक साइड से और फिर दूसरी साइड से। अब इनकी साइड चेंज कर लेते हैं।
साइड को चेंज कर लेंगे। आंच को हल्का रखेंगे ताकि ये अंदर तक जो है वो पक जाए अच्छे तरीके से। अगर आपको तेज़ करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये अंदर से सही तरह नहीं पकेगी। अभी ये बिल्कुल तैयार हो गई हैं तो इनको हम उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त तैयार हुई हैं ये देखें।